डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड मैक्सिमाइजेशन टाइप। आज हम डिस्कस करेंगे LPP बाय ग्राफिकल मेथड मिनिमाइजेशन टाइप, जिसमें हम Z को मिनिमाइज करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप्स आर सेम, फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टेंट्स को हमने सेकेंड पार्ट मान लिया एंड नॉन नेगेटिविटी को हमने थर्ड पार्ट ले लिया। नॉन नेगेटिविटी जिसमें x1 x2 दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं, और ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा पूरा फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सो दिस वन इज x1 एक्सिस एंड दिस इज x2 एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। वी विल फोकस ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये थर्ड पार्ट का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका मतलब था कि हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट में है और वो हमने ले लिया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, दो इनइक्वेशन हैं, और दोनों इनइक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू वाली हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को 1 by 1 इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x1 + x2 = 80। अब हम टेबल तैयार करेंगे। इस टेबल में हम क्या लेंगे? x1 x2। एक बार x2 को 0 रखेंगे और एक बार x1 को। सो जब x2 को 0 रखेंगे तो क्या होता है, ये पूरी टर्म ही ख़त्म हो जाती है, ये पूरी x2 वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा? 2x1 = 80। मींस x1 कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा 80/2, दैट इज 40। आ गया एक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम x1 को 0 रखेंगे। तो जब हम x1 को 0 रखेंगे तो उससे क्या होगा, ये पूरी x1 की टर्म ही 0 बन जाएगी। अब ये x1 की टर्म 0 हो गई तो डायरेक्ट x2 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 80। तो हमें दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब ये दो पॉइंट्स को पहले हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो हम 10 का गैप लेते हैं, 30, 40, 50, 60, 70। सेम हियर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यू कैन मेंशन हियर स्केल ऑल्सो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। व्हाट इज द स्केल? 1 cm = 10 units। ओके, अब प्लॉट करते हैं। 40, 0, दिस इज द पॉइंट 40, 0 एंड 0, 80 x2 एक्सिस पर, 0, 80। जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो दिस वन इज फर्स्ट, ये फर्स्ट इनइक्वेशन फर्स्ट कॉन्स्टेंट हो गया। नाउ अब हम सेकेंड इनइक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। स्पेस कम है, मैं इसी को रब करके लिखती हूँ यहाँ पर। x1 + 2x2 = 60। अगेन सेम टाइप ऑफ टेबल जैसा पहले बनाया था, सिमिलर टेबल। एक बार x2 को 0, एक बार x1 को 0। सो जैसे ही x2 को 0 रखेंगे, x2 वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, x1 कितना आ गया? 60, राइट हेयर। अब हम जब x1 को 0 रख देंगे, ये 0, तो 0 प्लस एनी नंबर, ये टर्म ख़त्म, मतलब क्या हो जाएगा? 2x2 = 60। तो x2 कितना? 60/2, दैट इज 30। दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, इन्हें प्लॉट करते हैं। 60, 0, दिस इज 60। नाउ यहाँ पर x1 0 है, तो ये 0, 30 मतलब x2 एक्सिस पर। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन दोनों को जॉइन करने वाले हैं। जॉइन कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कॉन्स्टेंट नंबर 2। यह साइड में लिख देते हैं, इधर ये 1 है एंड दिस इज 2। ओके,
दोनों इन इक्वेशंस जो थी उसको इक्वेशन में चेंज किया, टेबल फॉर्म किया और हमने उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें निकालना है फीजेबल रीजन, ऐसा रीजन जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब लेस देन का साइन होता है, सपोज ये लाइन है तो ये पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक वो पार्ट जो जिसमें ओरिजिन आता है, ओरिजिन वाला पार्ट, और एक वो पार्ट जिसमें ओरिजिन नहीं आता। दो पार्ट होते हैं, एक ओरिजिन वाला और एक नॉन ओरिजिन। तो यहाँ पर अगर लेस देन का साइन होता तो मैं लाइन के नीचे वाला लेती, मतलब ओरिजिन वाला। बट ध्यान से देखो तो यहाँ पर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में हम कौन सा पार्ट लेते हैं, अबव द लाइन, लाइन के ऊपर वाला, और वी कैन से नॉन ओरिजिन। तो इधर भी लाइन के ऊपर वाला पार्ट और ये वाली जो लाइन है उसमें भी लाइन के ऊपर वाला। जब दोनों केसेस में लाइन के ऊपर वाला है तो हम बाहर की बाउंड्रीज को कवर अप करेंगे, ये अब अंदर तो आ नहीं सकते क्योंकि इस लाइन के नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से टर्न लेना है। तो ये हो गया हमारा फीजेबल रीजन। ये ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, यहाँ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, इधर शेड किया तो फोर्थ आ जाएगा, इधर लेकर गए तो थर्ड आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट में होना चाहिए। और एक बात नोट कर सकते हो, कैसा आ रहा है ये, इसकी बाउंड्रीज नहीं है तो ये अनबाउंडेड है, बट ये फीजेबल आ चुका है। ठीक है, इन पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे, ए बी सी। तो फीजेबल रीजन, फीजेबल रीजन क्या हो गया, ए बी सी, इट इज़ नॉट बाउंडेड, इसकी बाउंड्रीज नहीं है। बट यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम हम निकाल सकते हैं, बट अगर इसी क्वेश्चन में मिनिमम की जगह यहाँ पर मैक्सिमम होता देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यूज, क्योंकि इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, अपर बाउंड्रीज नहीं है, लोअर बाउंड्री है। मतलब वी कैन फाइंड आउट हेयर मिनिमम वैल्यू बट वी कैनॉट फाइंड आउट हेयर मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें मिनिमम निकालना। तो फीजेबल रीजन अब हमारा आ चुका है ए बी सी, जिसमें ए पॉइंट हमें पता है 60, 0, सी पता है 080, बट बी इज स्टिल नॉट नोन, अननोन। सो बी निकालने के लिए हम ये दो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों की इक्वेशन लेकर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो 4x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 160, 1x1 2x2 इक्वल्स टू 60। सबट्रैक करेंगे यहाँ पर तो ये कैंसिल, 3x1 इक्वल्स टू 100, x1 कितना हो जाएगा 100/3। अब ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे x1 की किस में, इन इक्वेशन 2 में, तो ये हो गया 100/3 2x2 इक्वल्स टू 60। तो 2x2 कितना हो जाएगा, 60 - 100/3, तो ये हो जाएगा 2x2 180 - 100/3, That is 80/3। तो अगर 2x2 80/3 है तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/3। तो अब हमारा B पॉइंट भी आ चुका है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट रूल मेथड, जिसके अकॉर्डिंग अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की निकालनी है तो वो कॉर्नर पॉइंट पर ही पॉसिबल है। मतलब या तो ए पर हो सकती है, या बी पर हो सकती है, या फिर सी पर। तो इन तीनों पॉइंट पर ही हम जेड की वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है। तो हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे ए बी सी। ए पॉइंट हमारा है 60, 0, बी पॉइंट तो जस्ट अभी हमने निकाला 40/3, एंड सी पॉइंट है 0, 80। और Z हमें क्या दिया हुआ है, 600x1 प्लस 500x2।
इस z की वैल्यू हम इन तीनों पॉइंट पर निकाल कर देखते हैं, तो 600 x1 की जगह 60, x2 की जगह 0, तो ये कितना हो जाएगा 36,000, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ओके, अब हम निकालते हैं इस पर बी पॉइंट पर, ये ए पर निकाला, अभी हम निकालेंगे बी पर, तो 600 100 बाय 3 500 40 बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, ये 200 कैंसिल ही नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं करते ऐसे ही रखते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 अपॉन 3 प्लस 20,000 अपॉन 3, दैट इज 80,000 बाय 3, जो 36,000 से कम ही आएगा। अब हम इस पर निकालते हैं 600 इंटू 0 500 इंटू 80, तो 0 प्लस 40,000, ये 36, ये तो उससे भी बड़ा है, सबसे छोटी वैल्यू ये आएगी, 30 से भी कम आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, z की जो मिनिमम वैल्यू है वो z की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 80,000 अपॉन 3, सो देयरफोर मिनिमम ऑफ z इज 80,000 अपॉन 3। अब ये कौन से पॉइंट पर है वो लिखना पड़ेगा, एट b, b पर x1 कितना है 100 बाय 3 एंड x2 कितना है 40 बाय 3। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।